हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फरा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से मैं दीका की व्लॉग लेकर आई हूँ और आज हम गए थे मुहाना। तो पूरी उसकी फुल व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कि मुहाना, अगर कोई नहीं जानते तो ये दीका में ही होता है। ये एक फ़िश मार्केट है और इस तरीके की आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बीच है। आप चाहो तो यहाँ पर भी आके इंजॉय कर सकती हो और यहाँ पर सारी ड्राई फिश और ताज़ी ताज़ी फ़िश मिलती है। तो मैं पूरी मार्केट आपको दिखाऊँगी और मुहाना पूरी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुहाना जाने के लिए आपको बिल्कुल मॉर्निंग में उठना पड़ता है और अभी सुबह के करीब 5 बजे है, तो मैं जल्दी से उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो बालकनी में जाके आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। तो मैं जल्दी से उठ गई थी और उसके बाद मैं तैयार होने के बाद मेरे बच्चे भी उठ गए थे और मैं ये देख रही थी मोबाइल की तरफ और सिर्फ देख रही थी और ही हंस रही थी। तो हम निकल पड़े और तैयार होते होते ही थोड़ी सी रोशनी हो चुकी थी। अगर आप दीघा आए हैं, और कई सारी जगह ऐसी भी होती है जो न्यू होती है उनको नहीं पता होता है, लिफ्ट भी बंद थी, फिर हमको सीढ़ियों से जाना पड़ा था। मेन जो डोर होती है ना वो भी क्लोज कर रखी थी क्योंकि वो जो होटल के लोग थे ना वो उठेते ही नहीं, हम ही पहले उठ चुके थे क्योंकि हमको जाना था। तो बाहर निकल चुके हैं, हम बाहर की तरफ से निकले थे और उसके बाद यहाँ से गाड़ी वगैरह आपको मिल जाती है, उसे आपको बुक करके जाना पड़ता है। वो लेकर भी जाते हैं फिर आपको वापस भी लेकर आ जाते हैं, तो आपको बुक करके जाना पड़ता है। चलिए हम वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। आ चुके हैं मुहाना और 15 से 10 मिनट के अंदर ही आपको लेकर आ जाते हैं न्यू दीघा या आप ओल्ड दीघा में हो। और ये बिल्कुल ही न्यू दीघा या ओल्ड दीघा की तरह पूरी बीच होती है, यहाँ पे भी आप चाहो तो आ सकती हो। और अगर आप पहली बार आ रही हो ना तो आपको हर जगह आपको जाना जा सकती हो, ठीक है। और कई सारे मेरे व्लॉग है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप चाहो तो सीरीज़ है बहुत सारी, तो आप चाहो तो दीघा के व्लॉग वगैरह देख सकती हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं जो फ़िश लेना चाहते हैं, अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो आते हैं। ड्राई फिश भी होती है, मैं अभी दिखा दूँगी आपको। और ये बहुत ही बहुत ज़्यादा बड़ी होती है अगर आप मॉर्निंग के टाइम जाओगे। ये देखो मैं भागी भागी आ रही थी क्योंकि वहाँ पर समुंदर था तो मुझे वहाँ जाकर थोड़ा इंजॉय करना था। आते हो ना तो आप चाहो तो यहाँ पर नाश्ते वगैरह भी कर सकती हो, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है। तो आप चाहो तो अपने बच्चों को लेकर आते हो या आप खुद चाहते हो हॉर्स राइडिंग करना तो आप कर सकते हो। 15 रुपीज़ बच्चों के लिए होता है और 50 रुपीज़ होता है छोटे बच्चों के लिए, और अगर आप जाएंगे बड़े लोग तो 100 रुपीज़ होता है। नाश्ते वगैरह भी कर सकती हो। उसके बाद मैं आपको फ़िश मार्केट में मिलती हूँ। इसके ऊपर जा रही हूँ और यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप 11 o'clock आते हैं या 12 o'clock आते हैं तो ये दोनों साइड क्या होता है ना, इस तरीके से समुंदर का पानी आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अगर आप चाहो तो लेट में भी आ सकते हो अगर आपको फ़िश वगैरह शॉपिंग करना ना हो तो। राइट की तरफ जिस तरीके से रेत है और लेफ्ट की तरफ और इस तरीके से मैं बैठी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी सी पिक वगैरह भी ले लेती हूँ। और इस तरीके की छोटी मोटी दुकानें लगी होती है, ड्राई फिश भी मिलती है, आप चाहो तो ड्राई फिश ले सकती हो। हमने तो कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ ब्लॉग बनाना था क्योंकि आप लोगों के साथ ये शेयर करना था कि आप चाहो तो यहाँ आकर इंजॉय कर सकती हो। बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, तो आप चाहो तो आ सकती हो। मैं अंदर से भी आपको मार्केट पूरी दिखाती हूँ। और यहाँ से हम जा रहे थे ना, यहाँ पे साइड में ना बोट वगैरह आती है जो फ़िश देने के लिए आती हैं, जो मार्केट में लेना चाहती है ना, तो यहाँ से आके ले सकते। बिल्कुल ही ताज़ी ताज़ी फ़िश होती है। और इसके पीछे पीछे की तरफ
पूरी मार्केट होती है, बहुत ही बड़ी मार्केट है। और इस तरीके की ताज़ी फ़िश भी होती, बहुत सारी फ़िश होती। मुझे तो किसी का भी नाम अच्छे से नहीं पता, एक दो को छोड़कर। और बिल्कुल ही, और ना ये सस्ती बिल्कुल ही होती है, महंगी ही होती है। हाँ जी, बिल्कुल ही महंगी होती है, पर बिल्कुल ही ताज़ी होती है। तो आप चाहो तो आप लेकर अपना अपने घर को चाह सकती हो, ये पैक करके देते हैं। और क्रैप अगर आप देख रही हो, देखने से ही मुझे डर लग रहा है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ड्राई फिश है, जैसे कि मैंने आपको पूरी मार्केट दिखा दी, पर और भी ज़्यादा थी अंदर में, पर मैं अंदर की तरफ और ज़्यादा नहीं जाना चाहती थी। अब हम वापस अपने होटल में जा रहे हैं। अगर आप बुक करके नहीं आते तो यहाँ से भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है गाड़ी वगैरह, 20 रुपीज़ करके होता है। और अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।